शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो मीडिया सेंटर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज चुनाव प्रचार का भी आखिरी दिन है, ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण है। सुनिए, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज शाम को 5 बजे पांचों राज्यों का चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। विशेषकर दो राज्य जो अंतिम चरण के हैं, राजस्थान और तेलंगाना, उसका चुनाव प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक मुस्त होकर एक लयबद्ध चुनाव प्रचार कर जनता के बीच में अपना पक्ष रखने में एक सफल अभियान समाप्त कर रही है। 2014 में देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, वो सभी में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, गुजरात और गोवा, इस सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ने यश प्राप्त किया है। या तो हम सीधे सत्ता पर आए हैं या हमारे गठबंधन की सरकारें बनी हैं। राजस्थान के अंदर भी एक बहुत अच्छा और थकाने वाला चुनाव प्रचार आज मोदी जी की दूसरी सभा के साथ समाप्त हो जाएगा। एक जिसको कह सकते हैं कि 5 साल की सरकार का पूरा लेखा जोखा हमें संतोष हो इस प्रकार से हम लोगों के बीच में रख सके। प्रधानमंत्री जी ने लगभग 13 जनसभाएं संबोधित करी हैं। मेरा भी राजस्थान के हर जिले में जाना हुआ है, ग्रुप्स की मीटिंगें, कार्यकर्ताओं की बड़े सम्मेलन और सभाएं मिलकर कुल 38 के आसपास कार्यक्रम मेरे भी हुए हैं। वसुंधरा जी ने भी एक लंबी गौरव यात्रा के उपरांत 75 जनसभाओं से जनसंपर्क का बड़ा कार्यक्रम हाथ पे लिया था। कुल मिलाकर देश के गृह मंत्री हमारे पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, अन्य केंद्रीय नेताएं, हमारे सारे मुख्यमंत्री, विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस सब की जनसभाओं का मिला जुला कर जो लेखा जोखा लिया जाता है तो लगभग 222 बड़ी जनसभाएं ये चुनाव अभियान के दौरान हमने की है। 15 रोड शो आयोजित करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक राजस्थान के अंदर अपप्रचार की शुरुआत करी थी कि राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा एक क्रम बना है और इस बार राजस्थान में एक क्रम जारी रहेगा। जनमानस में से इसको निकालने में हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। प्रचार अभियान के दौरान विधायकों के, सांसदों के, हमारे पदाधिकारियों के गांवों के दौरों के दौरान 1,70,00,000 लाभार्थी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बने हुए हैं, उनका एक उत्साहजनक प्रतिसाद हमें मिला है। राज्य सरकार की भी कुछ बहुत लोकप्रिय योजनाएं और केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं का हितग्राहियों का, लाभार्थियों का प्रतिसाद सीधा अलग से दिखाई पड़ता था, चाहे वो सभा हो, चाहे रोड शो हो, चाहे गांव का संपर्क हो, चाहे शहर का संपर्क हो, और उसने पूरे चुनाव के गणित को बदला है। कांग्रेस
अपनी परंपरागत तीन मुद्दों पर चुनाव लड़ने का प्रयास करी, जातिवाद के मुद्दों को उभारने का प्रयास किया, परिवारवाद के मुद्दों को उभारने का प्रयास किया, परिवारवाद के आधार पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया और एपीसमेंट तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और हमने राजस्थान का विकास, राजस्थान का भविष्य और गरीब कल्याण, इन मुद्दों पर चुनाव को आगे ले जाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि हमारे मुद्दों को जनता ने स्वीकारा है और जनता पहले ही कांग्रेस के तीनों मुद्दों को, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण को नकार चुकी है। एक बार फिर से यहां पर उसको जाकारा मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। भामाशाह योजना के लगभग 24 लाख लाभार्थी, उज्ज्वला योजना के लगभग 47 लाख लाभार्थी, मुद्रा बैंक योजना के 50 लाख से ज्यादा लाभार्थी, आवास योजना के 13 लाख लाभार्थी, मोबाइल फोन मिलने वाली 50 लाख से ज्यादा महिलाएं, कॉलेज की युवाओं को लैपटॉप मिला है, युवतियों को स्कूटी मिली है, राजश्री योजना के माध्यम से 11 लाख से ज्यादा बच्चियों को उनका भविष्य सुरक्षित करने वाली एक अच्छी खासी राशि मिली है, 80 लाख से ज्यादा गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम सिर्फ राजस्थान में समाप्त किया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लगभग 3.5 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और कृषि ऋण माफी का भी लगभग 40 लाख से ज्यादा किसानों को राजस्थान के अंदर फायदा हुआ है। कांग्रेस ने आरोपों की राजनीति को पूरे चुनाव अभियान में आगे बढ़ाया है। एक नकारात्मक पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है, वो कांग्रेस ने रखने का प्रयास किया है। जब हम पूछते हैं कि कांग्रेस के शासन था तब आपने राजस्थान को क्या दिया, तो उसका जवाब हर कांग्रेसी नेता टाल गए, मगर बाद में हम आपको कॉपी भी मिलेगी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, मगर मैं कुछ आंकड़े जरूर रखना चाहता हूं। जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 13th फाइनेंस कमीशन आया था, 13th फाइनेंस कमीशन में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को 1,09,242 करोड़ रुपया, मोदी जी की सरकार बनी, भाजपा सरकार बनी, 14th फाइनेंस कमीशन आया, 14th फाइनेंस कमीशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,09,242 करोड़ को बढ़ाकर 2,63,580 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का काम किया। लगभग ढाई गुना रुपया हमने ज्यादा देने का काम किया। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं में 36,000 करोड़ से ज्यादा लाभ राजस्थान को मिला है और एक बड़ी रिफाइनरी जिसमें केंद्र सरकार के उनके पीएसयूज का 40,000 करोड़ से ज्यादा निवेश है, ऐसी बड़ी रिफाइनरी भी राजस्थान को हमने देने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि हमने पूरे प्रचार में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को मुख्य मुद्दा बनाया है और उसको एक अच्छा जन प्रतिसाद लोगों की ओर से मिला है। कांग्रेस की स्थिति नेता तय कर पाने तक भी नहीं पहुंची। हर जिले में एक एक व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री बताकर जनता के वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। उनको लगता है शायद इसी से ही जिले के वोट मिल जाएंगे, मगर राज्य की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि आपके यहाँ ना डिसिप्लिन है, ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, इसलिए आपने नेता को घोषित करना उचित नहीं माना। कांग्रेस ने यहाँ पर जाति और धर्म के पॉलिटिक्स को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को नीचे गिराने तक के शब्द प्रयोग किए गए। इस सारी चीजों ने मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को आहत किया है और आगाह भी किया है कि आगे पर किस प्रकार की पॉलिटिक्स अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो होगी। हमने एक रचनात्मक, एक सकारात्मक एजेंडा पर पूरे चुनाव अभियान को ले गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में निश्चित रूप से
हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और फिर से एक बार मोदी जी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन ग्रोथ वाली ट्रेन राजस्थान को मिलने जा रही है। मैं राजस्थान की जनता को, आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के विकास को दिन दूनी रात चौगुनी गति मिली है। सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम बने हैं। सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है देश की, देश के सम्मान को ऊपर उठाने का काम किया गया है, देश में से भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद करने का काम किया गया है, देश के अंदर राजनीति की शुचिता की पुनः प्रस्थापना करने का काम किया गया है और ये सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने के लिए और बीमारू राज्य से हम राजस्थान को विकसित राज्य बनाने में सफल रहे हैं। अब विकसित राज्य से समृद्ध राज्य बनाने का हमारा जो लक्ष्य है, इसकी सिद्धि के लिए राजस्थान की जनता के आशीर्वाद जरूरी है। आपका सहयोग, आपका समर्थन और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान की जनता का मतदान ये राजस्थान के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करेगा और यहाँ पर फिर से एक बार विकास करने वाली, विकास को गति देने वाली सरकार बनेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ, अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अरे सुनाई पड़ेगा, बड़ा कमरा नहीं, माइक की क्या जरूरत है, माइक नेताओं के लिए रहने दो। हाय अमित शाह जी, हाय अमित शाह जी, मैं जगदाहिर अखबार से हूँ। एक मिनट, नाम कौन बोलेगा यहाँ से? नाम तो मैं स्वयं बोल रहा हूँ। अरे आप स्वयं तो बोल ही रहे हो, मगर आपको बोलना है नहीं बोलना है वो ये बोलेंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने निर्णय लेके मुझे मौका दिया। भाई अमित शाह जी, मैं जगजाहिर अखबार से अरुण कुमार हूँ। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि आपके केंद्र मंत्री से लेकर के सांसद तक नहीं जानते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कौन है, तो आप किनको कोषाध्यक्ष नियुक्त किए? श्री पीयूष गोयल हमारे कोषाध्यक्ष। वो तो पहले थे सर, वर्तमान नहीं है? वर्तमान यही है, अब रख लीजिए। पूर्ण बहुमत की सरकार 180 भी पूर्ण बहुमत की ही होती है भाई, आप किस प्रकार से गणित कर रहे हो मुझे मालूम नहीं। 180 की हंग होती है क्या? पूर्ण बहुमत का मतलब है 180 भी हो सकता है, सब सीटें भी हो सकता है। बैठिए। कौन? नहीं, हमने कभी नहीं कहा सिद्धू अपवित्र है, हम ऐसा मानते भी नहीं। सर, जो क्रिश्चियन मिशेल का एक्सट्रेडिशन हुआ है, अपोजिशन का कहना है कि ये बाकी सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है, क्रिश्चियन मिशेल का जो एक्सट्रेडिशन। अपोजिशन के पास कोई मुद्दे नहीं है भैया, आप मुझे बताओ किसी बिचौलिए को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? अपोजिशन क्या चाहती है, उनको बचाना चाहती है क्या? निश्चित रूप से 2019 में अभी से बड़े बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनेगी, ये निश्चित है। और ये तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। सर, शाह साहब, मिशेल का जो एक्सपेडिशन हुआ है कल, उसके बाद आपको कितना बड़ा महत्वपूर्ण कदम लगता है ये? चलिए, सरकार के लोग